तो दोस्तों ये मुख दर्शन का लाइन है, यहाँ से मुख दर्शन के लिए जा सकते हो। आप इनके फूल वगैरह हार वगैरह लेना है। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सिद्धि विनायक। फिलहाल तो मैं खड़ा हूँ दादर स्टेशन पे। यहाँ से सिद्धि विनायक जाना कैसे आपको पूरा है ए टू जेड जानकारी दूंगा। इनके साथ आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना है, उसका कितना कॉस्ट है। अगर इनके साथ आपको बाई वॉक जाना है तो यहाँ से हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है, उसका भी पूरा डिटेल दूंगा। ट्रेन से तो ये आप जिस वहाँ से स्टेशन से ब्रिज से नीचे उतरोगे तो आपको ये सीधा नीचे आना है। ये आपकी सेरिंग टैक्सी की लाइन है, आपको 10 रुपया पर सीट है। यहाँ पे सेरिंग टैक्सी आते हैं, आप सेरिंग टैक्सी से सीधी बना के जा सकते हो। तो मैं फटाफट आगे जाके आपको बता दूँ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बाइक से। अब इनके पैदल भी जा सकते जाने, अभी इनके साथ आपको पैदल भी जाना है तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको ये वैसे ये रोड से जाना होगा, ठीक है। इनके साथ पैदल जा रहे हो तो देख लो, सबसे पहले जब वहाँ से आप आओगे ना सीधा स्टेशन से उतर के वैसे में, तो आपको सबसे पहले कबूतर खाना आएगा। ये कबूतर खाना, कबूतर खाने से आपको राइट मारना है। राइट मारने के बाद आपको हनुमान जी की मंदिर आएगी, हनुमान जी से फिर आपको मंदिर से आपको लेफ्ट मारना है। ये सही आपको जब मंदिर का लेफ्ट टर्न लेके आओगे ना सीधा, तो आपको एक सिग्नल मिलेगा। सिग्नल की पहचान आप ये कर सकते हो कि आपको आपके लेफ्ट हैंड में ना एक मिलेगा चर्च, ठीक है। ये चर्च है, ये चर्च, ये सिग्नल, और सामने एक बड़ी सी ऊंची इमारत है भैया, ये चर्च है भाई। तो ये हम लोग ने राइट में टर्न लिया है। राइट से टर्न लेने के बाद आपको सीधा जाना है। विद इन बाई वॉक की बात कर रहा हूँ, अगर आप पैदल जा रहे हो तो विद इन 5 मिनट में आप पहुँच जाओगे। चलते हैं फटाफट मंदिर। ये आपको आएगा सहकारी भंडार मॉल है, सहकारी भंडार मॉल से आपको ये रोड गई है लेफ्ट में। इस रोड को अगर सीधा जाना है, ये आपकी सिद्धि विनायक की भैया लाइन में आ गई, यहाँ से आप लाइन लगा सकते हो मुख दर्शन के लिए। अगर आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड से लाइन लगती है, ये मुख दर्शन के लिए। अगर आपको बैक साइड से भी आपको नाश्ता वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फाइनली हम आ गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर। ये सामने सिद्धि विनायक मंदिर है। तो इनकेस अगर आपको कार वगैरह से आ रहे हो तो पार्किंग के लिए जो ब्लू टी शर्ट में घूम रहे हैं ना भैया, और एक व्हाइट टी शर्ट में यहाँ पे खड़ी है, फिर भी पार्किंग पर आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रसाद लेने के बाद आप फिर भी वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख दर्शन का लाइन है, यहाँ से आप मुख दर्शन के लिए जा सकते हो। आपको इनके फूल वगैरह हार वगैरह लेना है तो ये स्टार्टिंग अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपकी चेकिंग होने के बाद जब आप अंदर एंट्री करोगे, ये प्रसाद वगैरह का आपको इनकेस बाहर नहीं मिल पाया तो आप अंदर ले सकते हो, ठीक है। ये आपका फुटवेयर रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका आपके जूते चप्पल वगैरह जो भी रख सकते हो। और वो जो दिख रहा है सामने, ये यहाँ पे महाप्रसाद ले सकते हो, 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है 20 रुपीज़ तक का। तो आप दर्शन करने के आने के बाद वहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल मैं अपना फुटवेयर रख सकता हूँ। तो भैया फुटवेयर देने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, आपको टोकन नंबर बाद में रिटर्न कर देगा, नहीं तो आपका जूता होता है कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो फटाफट चलते हैं अंदर। तो गाइस ये जो पहला आपको ये गेट दिख रहा ना, पहला गेट ये है VIP दर्शन, अगर आप बहुत, और ये यहाँ पे एग्जिट गेट नॉर्मल के लिए, ये एग्जिट गेट है, ये पास का है, आपको पास आगे से लेना है, ठीक है। पास आगे से लेना, आपको 100 रुपीज़ पर पास है, ठीक है। जिसके पास पास है वो यहाँ से एंट्री कर सकता है 100 रुपीज़ पास के लिए। भी आ रहे हो तो इधर से भी आपको सीधा इस साइड ही अंदर जाना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल है।
गए गणपति बप्पा। तो यहाँ से आपको सीधा अंदर जाना है, ये दूसरे साइड से रास्ता है, फ्रंट साइड का रास्ता, मुख दर्शन कर सकते हो। ये साइड से भी आओगे तो आप मुख दर्शन कर सकते हो, बड़े थोड़ा यहाँ पे आपको लंबा आना पड़ेगा, मतलब घूम के आना पड़ेगा। तो ये यहाँ की लाइन है बैक साइड की। इनके साथ दूसरे गेट से आए हो तो आपका फुटवेयर रखने का ये सारी इंतजाम है, एक आप यहाँ से भी रख सकते हो प्लस दूसरा वहाँ पे भी रख सकते हो। तो फिर आप पास से भैया किसी को पैसा वैसा देना मत, तो बस यहाँ से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों गणेश जी को ये मेन दुर्गा चढ़ता है चढ़ाने के लिए, आप जितना भी फूल फ्रूट वगैरह कुछ भी ले आ जाए, अगर उसमें ये ना रहा तो उनकी ये जो पूजा होती है ना अधूरी रहती है। तो ये उनको ज़्यादा भोग लगता है, इस पर चढ़ाया जाता है दुर्वा प्लस छतरुड़ का फूल होता है। इनके साथ वो कुछ डोनेशन अगर करना होगा तो तो ये है मूसक महाराज गणेश जी के वाहन, आपको भी पता है। तो ऐसी धारणा है सिद्धि विनायक में कि इनके कान में आप जो भी मन्नतें मांगो वो पूरी होती है। आप जब बाहर निकलोगे ना, पंडित जी है ना आपके हाथ में रक्षा बांधने के, आपको जो भी दक्षिणा देना है इनको रूप में दे सकते हैं, जबरदस्ती करेंगे पर आपको देखना। तो सिद्धि विनायक मंदिर बाहर से आपको कुछ ऐसा दिखता है, फिलहाल तो अभी काम चालू है इसलिए पूरा पर्दे से ढका हुआ है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। दूंगा आपको पूरा एड्रेस वगैरह, किसी का चीज का भी डाउट होगा तो पूरा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया होगा भाई, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।